हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दोस्तों, आप सबको ये तो जानकारी होगी कि जैसे हम बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, एक फिक्स अमाउंट थ्रेशोल्ड लिमिट होती है जो कि इनकम टैक्स की तरफ से डिफाइन की होती है। उसके ऊपर अगर हमारा ब्याज की अमाउंट जाती है तो हम बैंक उसके ऊपर TDS काटता है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी एक नया इनकम टैक्स में एडवांस सेक्शन 194 आया है जिसमें हमें बैंक से पैसा निकालने के ऊपर भी हमें TDS देना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 194N के बारे में, और बात करेंगे जो 2020 में इसमें कुछ चेंजेस आए हैं उसके बारे में, जो कि 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी तरफ पहुंचते रहें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की इस वीडियो में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 194N के बारे में। दोस्तों, ये सेक्शन यूनियन बजट 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया और ये सेक्शन 1 सितंबर 2019 से एप्लीकेबल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, सेक्शन 194N, और जो हाल ही में ही इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई हैं 2020 में, उसके बारे में हम डिटेल से इसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को, इस सेक्शन को पूरा समझने के लिए अंत तक देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसका सबसे पहला मोटिव ये है इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का कि आजकल की जो हमारी कैश की लेन देन है इसको डिजिटल करने का, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने का, और दूसरा जो ब्लैक मनी है उसके ऊपर कंट्रोल करने का, और तीसरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनक्रीज करने के लिए इस सेक्शन को लाया गया। और चार नंबर, हम जो ट्रेडिशनल हमारा कैश में लेन देन चल रहा है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो कैश का लेन देन करते हैं उसको कम करने के लिए, लेन देन को कम करने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन इससे बढ़ेंगी, ब्लैक मनी कम होगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे और कैश का लेन देन भी कम होगा, इसीलिए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर ये सेक्शन 194 है क्या। दोस्तों, मान लीजिए एक पर्सन है, ये इसका अलग अलग बैंकों में अकाउंट है, बैंक ए में अकाउंट, ए में अकाउंट है, दो नंबर किसी बैंक में अकाउंट है, तीन में जहाँ किसी पोस्ट ऑफिस में, पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर की बैंक, या पोस्ट ऑफिस, या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है, और ये अपने खाते से अलग अलग इंटरवल के ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 1 करोड़ से ऊपर पैसे निकालता है तो इसको 1 करोड़ से ऊपर 2% के हिसाब से TDS देना होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के हम मान लेते हैं इस पर्सन ने पहले क्वार्टर में 50,000 रुपया निकाला, फिर इसने 40,000 रुपया निकाला, फिर इसने 30,000 रुपया निकाला, सो पूरे साल में इसका 50, 40 और 30, इन तीन को मिला के 1 करोड़ 20 लाख रुपया हो गया। अब इसके ऊपर जो इस सेक्शन के अंडर 1 करोड़ तक तो इस लिमिट की रिबेट है, 1 करोड़ के ऊपर की जो अमाउंट है 20 लाख,
इसके ऊपर 2% इसको TDS देना होगा। सो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं ये सेक्शन किन किन के ऊपर एप्लीकेबल है। कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई HUF है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, जहां कोई अदर एंटिटी, सारी इसके अंडर आती हैं, इनके ऊपर एप्लीकेबल है। और दोस्तों, किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, एक कोई गवर्नमेंट बॉडी है, कोई भी एनी बैंक, कोई पोस्ट ऑफिस, व्हाइट लेबल जो ATM मशीन को चलाते हैं, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस बैंक का, फुल फ्लैश मनी चेंजर, कोई एग्रीकल्चर सोसाइटी है, जहां कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये सारे के ऊपर ये इनकम टैक्स का जो सेक्शन 194 है ये एप्लीकेबल नहीं करता। एक बार दोबारा देख लेते हैं दोस्तों, अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी है, कोई भी बैंक है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की कोई भी बैंक, पोस्ट ऑफिस है, वाइट लेबल ATM जो मशीनों को हैंडल करते हैं उसमें कैश डालने की जरूरत पड़ती है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस है, ये भी एक तरह की बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फुल फ्लैश्ड मनी चेंजर हो गए, एग्रीकल्चर सोसाइटीज या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सारी एक तरह की बैंकिंग फैसिलिटी करवाते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इसी सेक्शन में इस हाल में ही हुई कुछ मॉडिफिकेशन के बारे में, इसमें कुछ इस साल में कुछ प्रोविजंस और ऐड कर दी गई हैं। इसमें प्रोविजन क्या ऐड कर दी गई हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन ए है जिसने पिछले किसी साल में 16-17 फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में ITR फाइल नहीं की, ITR फाइल नहीं की, उसके लिए इस सेक्शन के अंडर कैश विड्रॉल की जो लिमिट है उसको कम करके 20 लाख कर दिया गया है। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने पिछले प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर में ITR फाइल नहीं की, उसके लिए इस सेक्शन के अंडर लिमिट हो गई है 20 लाख। 20 लाख से ऊपर अगर ये पर्सन ए अपने खाते से पैसा निकालता है तो इसको 2% के परसेंटेज के ऊपर TDS देना होगा। दोस्तों, अगर ये इसकी लिमिट, ये पैसा निकालते निकालते 1 करोड़ तक इसकी लिमिट पहुंच जाती है, तो अगर 1 करोड़ से ऊपर अगर इसकी लिमिट जाती है पैसा निकालने की इस फाइनेंशियल ईयर में, तो इसको 2% की जगह 5% TDS एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, इसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन जिसने अपने खाते से 1,50,00,000 रुपीज निकाल लिए और इससे हम इसकी जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है जिसके ऊपर TDS नहीं लगेगा 20 लाख, 20 लाख इसमें से माइनस हो गई, बाकी रह गया इसमें से 20 लाख 1 करोड़, इसके बीच में रह गया इसका 80 लाख, और इसके ऊपर वाली जो अमाउंट है 50 लाख, दो टुकड़ों में इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा ये सेक्शन। 80 लाख के ऊपर लगेगा 2% और 50 लाख के ऊपर लगेगा 5%। मेरे ख्याल से दोस्तों, इस वीडियो में सेक्शन 194N के रिगार्डिंग
मैं आपके ज़्यादातर जो आपके माइंड में डाउट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर आपके कहीं कोई आपको इस सेक्शन में डाउट लगे तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा आपके जो कमेंट्स का जवाब देने की। एक बार दोबारा इसको थोड़ा सा देख लें। अगर कोई पर्सन पिछले प्रीवियस 3 साल की ITR नहीं फाइल कर रहा तो उसकी लिमिट हो जाएगी 1 करोड़ की बजाय 20 लाख। उसको देना होगा TDS 2% की दर से। अगर वो कैश निकालते निकालते उसकी लिमिट पहुंच जाती है 1 करोड़ से ऊपर, तो 1 करोड़ से ऊपर जितना भी पैसा वो निकालेगा उसके ऊपर 2% की जगह 5% TDS लगेगा। इसके लिए जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी कि 1.5 करोड़ उसने अपने पैसे खाते से निकाला, 1.5 करोड़ से हमने 20 लाख को तो माइनस कर दिया और ऊपर वाले को हमने 2 स्लैब से में बांट दिया, एक 2% और एक 5%, दोनों के ऊपर अलग अलग रेट से TDS लगेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में। अब मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन है जो रेगुलर ITR फाइल कर रहा है, पिछले 3 साल से, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से वो अपनी ITR रेगुलर फाइल कर रहा है, उसके लिए क्या होगी? उसके लिए उसकी लिमिट हो जाएगी इस सेक्शन में 1 करोड़। अगर वो 1 करोड़ से ऊपर पैसा निकालता है अपने खाते से कैश, तो उसको लगेगा 2% की दर से TDS। ये हो गया इसका दूसरा केस, जो ITR रेगुलर फाइल कर रहा है। जो ITR रेगुलर नहीं फाइल कर रहा उसके हमने पहले से, इससे पहले जो हमने बात कर चुके हैं, तो इसके लिए दोस्तों सिंपल हो गया। अगर कोई 1.5 करोड़ निकालता है अपने खाते से तो उसके लिए 1 करोड़ की लिमिट है, तो इसमें से 1 करोड़ तो माइनस हो जाएगा, बाकी का बचा 50 लाख। इसके ऊपर उसको 2% की दर से TDS देना होगा। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं, पे जितनी वो अमाउंट के ऊपर, मान लीजिए 50 लाख के ऊपर वो 2% का TDS भर रहा है, ये TDS उसके फॉर्म 26AS में शो करेगा और जिस अमाउंट के ऊपर इसका TDS कट रहा है वो इसकी इनकम में ऐड नहीं होगी, ऐड नहीं होगी। जिस अमाउंट के ऊपर TDS ये पे कर रहा है वो अमाउंट के ऊपर इसकी इनकम में ऐड नहीं होगी। सो दोस्तों 26AS में आप 2% जब आपके TDS आपका शो करेगा, और इसका आप रिफंड भी ले सकते हैं जब आप ITR फाइल करेंगे। तो दोस्तों मेन देखा जाए तो इस सेक्शन का पर्पज यही है, लोगों को ITR की तरफ लेके जाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ITR फाइल करें और डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ें, कैश के लेन देन को कम करने के लिए, ब्लैक मनी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन 194N इंट्रोड्यूस किया। तो दोस्तों ये तो थी इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 194N के बारे में आज की ये वीडियो। हमने इसके 2-3 केस एग्जाम्पल लेके समझे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस सेक्शन की नॉलेज मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।